इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। और मेरा ख्वाब है अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर वीडियो। आज ये हम यहाँ बागे जिन्ना यानी कि कराची में, और ये हमारे नज़दीक ही है, यहाँ पर कायदे आज़म की मज़ार। और ये सारा जो क्राउड है ये सिर्फ पीटीआई की सपोर्टर्स हैं, ये सारे इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। और आज यहाँ पर इमरान खान दूसरा जलसा करने वाले हैं। जो पहला जलसा था वो तो बहुत वहाँ पर ह्यूज क्राउड आया था, आई थिंक वो सक्सेसफुल जलसा था, लेकिन आज जो ये जलसा है आई थिंक बड़ा है। सो आज हम लोगों से भी मिलेंगे, उनसे कमेंट लेंगे कि कौन कहाँ कहाँ से आया है, और यहाँ पर लोगों का हमने जुलूस और ये जज्बा देखा है, तो हम तो मजे तो बहुत। चलो गाइस अभी चेक करते हैं यार, यहाँ पे बहुत आला उमदा, यकीन मानो बहुत आवाम आई हुई है। पर अभी इमरान खान नहीं आए और उसके आने में तकरीबन 15 मिनट हैं, और 15 मिनट तक वो आ जाएंगे, उसके बाद हम उसकी स्पीच सुनेंगे। लेकिन क्राउड बहुत है यहाँ, बहुत क्राउड है। हाँ, अभी काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे। और स्टेज के हम बिल्कुल नज़दीक है, ये है पीछे बिल्कुल स्टेज, लेकिन ये यहाँ पे इससे आगे उन्होंने रजिस्ट्रेशन लगाई है, इससे आगे अंदर नहीं छोड़ रहे। आज के जलसे में हम इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट पहले से भी थी इमरान खान के साथ, और इस बार इसलिए ज़्यादा कि ये मुल्की सालमियत की बात है, और जो इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारे सर पर लाके मुसलत कर दी है शहबाज शरीफ की सूरत में, ये हम लोगों को किसी सूरत कबूल नहीं है। सेकेंडली, कराची के हवाले से बहुत से लोग ये एतराज़ उठाते हैं कि इमरान खान ने कराची को क्या दिया है। कराची के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कराची ना सिर्फ एक मेट्रोपोलिटन सिटी है बल्कि कॉस्मोपोलिटन सिटी है। इस शहर को डेलिब्रेटली पीपल्स पार्टी ने, MQM ने और ANP ने ओवर द ईयर्स डेलिब्रेटली शहर को तबाह किया है। तो ये अब वक्त आ गया है कि हम इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी से जितवाएं, ना सिर्फ पंजाब में। अभी हम आ रहे हैं सारे नाज़ुबाद से, और उसके बाद किसी ने घबराना नहीं है। इमरान खान ने आज हमें यूनाइट करा है, और मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि सब जो है ना अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज करें और इमरान खान के साथ खड़े हों।
मेरा नाम कश्मैला और मैं मेट्रोविल से आई हूँ एंड मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। मेरा नाम बिलाल है और मैं कराची का एक जिम्मेदार शहरी हूँ और मेरा ताल्लुक रीटेक। अस्सलामुअलैकुम, जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये हुजूम सारा इमरान खान के लिए आया है सिर्फ, और यहाँ अगली हुकूमत इमरान खान की है। हम तंग हो गए हैं इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत की और इंशाल्लाह अब इनकलाब आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद अहमद है और मैं कैमाडी टाउन का बंगाली पाड़ा का रहने वाला हूँ और मैं बंगाली हूँ। मैं आज इमरान खान के सपोर्ट पे हूँ क्योंकि इमरान खान ने हमारे बंगालियों के लिए ऐलान किया है। इमरान खान ने बस हमारे किसी हुक्मरान ने हमारे बंगालियों के लिए ऐलान नहीं किया था, बस इमरान खान पहला हुक्मरान है जिसने हमारे बंगालियों के लिए NIC और अफगानियों के लिए NIC की बात की, और किसी हुक्मरान ने बात नहीं की, बस हमारे बंगाली और अफगानियों के लिए ऐलान किया और किसी के लिए नहीं। बस मेरा इतना मैसेज है कि इमरान खान तक पहुँचे और कुछ नहीं। हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं और साथ ही जीना है मरना है हमारा इमरान खान के साथ। हमजा कुकड़ी और चेरी ब्लॉसम नामंजूर, नामंजूर इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर नामंजूर। ये चोर लटेरे डाकू, ये देख लो, ये तुम्हारा जनाजा निकला हुआ है अभी इस टाइम पे, ये देख लो, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। इंशाल्लाह ताला इमरान खान फिर आएगा तो अक्सरियत हमारा दिल है, हम जान दे के तैयार है। इमरान खान ये लोटे ये डीजल को सबको भगाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान हमारा दिल है, दिल ठीक है। हम कड़े हैं इमरान खान के साथ, ठीक है। और मौलाना जो है मुझे मौलाना नहीं लगता क्योंकि इस नूर आलम को पैसे दिया, ये रिश्वत है, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नम बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे हम जलसागा में खड़े हैं। कराची का जो फैसला था वो तो सुना दिया पूरी दुनिया को। आज इतना वाम आया है कि गिनने से भी गया, सारे ड्रोन फेल हो चुके हैं। जो इन चोरों ने एक साजिश बनाई थी वो अवाम ने आज नाकाम कर दिया, और इमरान खान को कराची का क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर माना गया है। और इंशाल्लाह जिन चोरों ने रात को 12:30 बजे अदालते कोल के फैसले सुनाए हैं, इस कौम ने ये फैसले मुस्तरद कर दिए और आईन और कानून के मुताबिक, आईन और कानून के मुताबिक कौम सबसे पावर होती है, पार्लियामेंट सबसे पावर होता है। तो इस अवामी पार्लियामेंट ने इमरान खान को आज कराची आते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया। इंशाल्लाह हमारी खान की कीमत कोई नहीं लगाएगा, इंशाल्लाह तो कोई खरीद सकेगा। आज इस जलसगा में जो भी आया है उसका सबका जमीर जागा हुआ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म हमारा इमरान खान। भाईजान, मैं एज़ा ज़मींदार हूँ और सिंध से ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट बदीन सिटी मातली। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं महंगाई है, ये जरदारी की हुकूमत में चाहे ये नून लग गए, हमें कभी रेट नहीं मिला है। इस बार चावल का भी अच्छा मिला है और हर चीज़ का रेट मिला है, तो हम खुश हैं इंशाल्लाह। इमरान खान अभी आ गए हैं और वो अभी स्टेज पे हैं, अभी उसकी शुरू हो गई उनकी, अभी सॉन्ग चल रहा है पीछे, आप सुन सकते हैं कि इमरान खान आ चुके हैं। मेरी जान सबसे रोशन वक्त के गया और अभी बुलाओ मेरी जान की जरूरत है, आजादी इस मुल्क में आ रहा है। ये तो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है।
सर अब इमरान खान आ चुके हैं और अपनी स्पीच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्राउड बहुत है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना और स्पीच कंप्लीट समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। सो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट और देखते हैं कि इमरान खान क्या कहते हैं। बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानी सुनो, क्राउड वापस जा रहा है, जलसा ख़त्म हो गया, इमरान खान की स्पीच भी ख़त्म हो गई और वो भी अभी चले गए, और ये सारा क्राउड आप देख सकते हैं बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ा। और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन तो मुझे तो लगता है ये जलसा पिशावर और ये पिछले जलसे से ज़्यादा बड़ा था, उससे बड़ा था। हाँ, सो ये सारा क्राउड देख कर आप ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि कराची में भी आज काम पर टांग रही थी। तो भाई भी काफ़ी थक गए हैं आज, हम लोग एंड करते हैं यार। हाँ, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।